फोर्थ ऑफ अप्रैल 2024 से फाइनली स्किल्ड वर्कर वीज़ा रिलेटेड रूल्स इंप्लीमेंट हो चुके हैं और फाइनली स्किल्ड वर्कर वीज़ा होल्डर्स के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ अनाउंस की गई है क्या रूल्स इंप्लीमेंट हुए हैं और क्या अच्छी न्यूज़ अनाउंस की गई है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो या अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन सा वो रूल है जो फोर्थ अप्रैल को इम्प्लीमेंट हुआ है तो अगर आप अब स्किल्ड वर्कर वीजा पे यूके में आना चाहते हो तो आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए थर्टी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड पाउंड पहले की थी ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड पाउंड बट अब इसको बढ़ा कर कर दिया गया थर्टी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड पाउंड मैंने अपने चैनल पर पहले भी बहुत बार इस बारे में आपको बताया है और अब ये रूल फाइनली इम्प्लीमेंट हो चुका है फोर्थ ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर से ये जो सैलरी थ्रेशोल्ड है ये सिर्फ स्किल्ड वर्कर वीजा के ये है तो अगर आप हेल्थ एंड केयर वीजा पे हो तो आपको ये सैलरी थ्रेशोल्ड मीट नहीं करना पड़ेगा इसके साथ ही अगर आप न्यू एंट्रेंट कैटेगरी में फॉल करते हो तो भी आपको ये सैलरी थ्रेशोल्ड मीट करने की कोई जरूरत नहीं है अब कौन से ऐसे लोग होते हैं जो न्यू एंट्रेंट है जो न्यू एंट्रेंट कैटेगरी में फॉल करते हैं अगर आपको ये जानना है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में न्यू एंट्रेंट के बारे में बात की है उस पर जाके यू कैन इजिली फाइंड आउट वेदर यू फॉल इन द न्यू एंट्रेंट कैटेगरी और नॉट इसके अलावा जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट थी उसको भी अब हटा दिया गया है और उसको रिप्लेस कर दिया गया है इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट ने अगर आपको डिटेल में इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट के बारे में जानना है तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे है वो आप जाके देख सकते हो अब बात करते हैं कि क्या वो गुड न्यूज है जो स्किल्ड वर्कर वीजा होल्डर्स के लिए आई है तो अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे अब यूके में आते हो या आप ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर वीजा पे यूके में हो तो यू कैन नाउ वर्क

एडिशनल ट्वेंटी आवर्स का जो एडिशनल uh, काम करना अलाउड था वो सेम जॉब कोड के लिए ही अलाउड था बट अब ऐसा नहीं है अगर आप एज एन इंजीनियर भी आए हो स्किल्ड वर्कर वीजा पे तो आप दूसरी जॉब कोड uh, के जो प्रोफेशन हैं उनको भी आप टेकअप कर सकते हो जैसे सपोज आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे एज एन इंजीनियर आप यूके में आए हो तो आप एज अ केयर वर्कर भी अप टू ट्वेंटी आवर्स काम कर सकते हो प्लीज मेक श्योर की जब आपका एडिशनल काम हो वो अप टू ट्वेंटी आवर्स तक का ही हो इस रूल के इम्प्लीमेंट होने के बाद स्किल्ड वर्कर वीजा को काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है अगर वो एडिशनल काम करना चाहते हैं यूके में तो तो होपफुली आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और अगर आज के वीडियो से आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक like कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इन जनरल यूके इमिग्रेशन पॉलिसी से रिलेटेड तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय